बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने आजकल जो हैं वो प्रोजेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। आपको मैंने प्रोजेक्शन की डेफिनेशन, प्रोजेक्शन की मेन टाइप्स के बारे में डिटेल से बताया। कल हम लोगों ने सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा जो है वो सीखा था। आज मैं आपको कोनिकल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट और कोनिकल प्रोजेक्शन के बारे में जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल से जो है वो बताऊंगी। अब कोनिकल प्रोजेक्शन में ये कॉन्सेप्ट रखा जाता है, ये इसकी डायग्राम पहले आप देखें तो आपको इजी लगेगा समझना। ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये डायग्राम जो है, ठीक है। अब ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है इसकी बनावट में ये तसव्वुर किया जाता है कि कागज़ की एक कोन जो है वो ग्लोब के ऊपर लिपटी हुई है। ये देखें, ये नीचे आपको ग्लोब नज़र आ रहा होगा और ये जो है ये एक कोन सी बनी हुई है कागज़ की, और इसको इस ग्लोब के ऊपर जो है वो आप समझे कि चढ़ाया हुआ है, और इसका सिरा जो है वो ऐन कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी के ऊपर होता है। इस डायग्राम में ये इसका सिरा कुतुब शुमाली की तरफ है। अगर हम नीचे की तरफ इसको चढ़ाएंगे तो फिर यही जो सिरा है वो नीचे कुतुब जनूबी की तरफ जो है वो इशारा करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक कागज़ की कोन बनाकर इस शक्ल में आप ग्लोब के ऊपर चढ़ा देते हो और इसका जो सिरा होता है इस कोन का वो ऐन कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी के ऊपर होता है, और इसका अंदरूनी हिस्सा जो कोन का है, ये जो अंदरूनी वाला हिस्सा है, ये ग्लोब पर किसी एक महसूस अर्ज बल्द या दो अर्ज बल्द को छू रहा होता है, ठीक है। जैसा कि ये नीचे ग्लोब के ऊपर आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है खतूत तूल बल्द और अर्ज बल्द का, इसमें ये खतूत तूल बल्द हैं जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो निसफ दायरों की सूरत में है ये अर्ज बल्द हैं। तो जो इसका अंदरूनी हिस्सा है कोन का, ये ग्लोब पर बने हुए इन हतूते अर्ज बल्द में से किसी एक या दो को जो है वो छू रहा होता है, जैसे इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है छूता हुआ अर्ज बल्द को। अब हम क्या करते हैं कि ग्लोब के अंदर जो है वो रोशनी की जाती है, समझे कि बल्ब इसके अंदर जो है वो जलाया जाता है, तो रोशनी की वजह से जो हतूते तूल बल्द और अर्ज बल्द का जाल है वो इस कोन के ऊपर जो है उसका अक्स आपको जो है वो नज़र आएगा। अब जहाँ जहाँ उन हतूते तूल बल्द और अर्ज बल्द का अक्स नज़र आता है उस पर हम स्याह पेंसिल से निशानात लगा देते हैं, और इस महरूत को फिर ग्लोब से उतार कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक काटा जाता है और एक हमवार सतह पर फैलाया जाता है, तो इसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से फिर नज़र आती है, ठीक है। इसमें जो हतूते तूल बल्द हैं वो आपको ये देखें, ये हतूते तूल बल्द आपको इस तरह नज़र आएंगे और खतूते अर्ज बल्द जो हैं वो आपको ये निसफ दायरों की सूरत में जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। यानी ये खतूते तूल बल्द जो ग्लोब पर आपको इस तरह नज़र आ रहे थे अब वो आपको इसमें ये सीधी लाइनों की सूरत में नज़र आएंगे, और खतूते अर्ज बल्द जो हैं जो कि यहाँ पर यूँ आपको निसफ दायरों की सूरत में नज़र आते थे वो आपको यूं नज़र जो है वो आएंगे। यही जो है आपका कोनिकल प्रोजेक्शन या जिसको मखरूती प्रोजेक्शन कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कोनिकल प्रोजेक्शन जो है इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है कि हम एक ग्लोब लेते हैं जिसके ऊपर हतूते तूल बल्द और अर्ज बल्द का जाल जो है वो बना हुआ है,
इस ग्लोब के ऊपर कागज़ की एक कोन सी बनाकर चढ़ा दी जाती है। इस कोन का जो सिरा होता है वो या कुतुब शुमाली की तरफ होता है या कुतुब जनूबी की तरफ होता है, और इस कोन का जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, वो इस ग्लोब पर बने हुए हतूते अर्स बल्द जो हैं वो उनको छू रहा होता है। वो या एक को छूता है या दो को छू सकता है, और इस इन्हीं हतूते अर्स बल्द को छूने की वजह से इन हतूते अर्स बल्द को हम जो है वो स्टैंडर्ड पैरेलल्स या महसूस अर्स बल्द का नाम भी देते हैं। अगर एक को छू रहा हो तो उस जो कोनिकल प्रोजेक्शन है उसको हम कहेंगे कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, और अगर दो हतूते अर्स बल्द को छू रहा हो तो हम कहते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल्स। अब इस ग्लोब के अंदर जो है वो रोशनी की जाती है। रोशनी करने की वजह से इस पर बने हुए खतूते तूल बल्द और अर्स बल्द का जो साया है वो इस कोन जो कागज़ की बनी हुई है उसके ऊपर पड़ता है। तो जहाँ जहाँ वो साये के निशानात पड़ते हैं हम स्याह पेंसिल की मदद से उन निशानात को गहरा कर लेते हैं। फिर उस मखरूती कोन को ग्लोब से उतार कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक काट कर हमवार कर लिया जाता है। तो आपको फिर वो इस तरह से जो है हतूते अर्स बल्द और तूल बल्द जो है वो नज़र आएंगे। इसमें जो हतूते तूल बल्द जो ग्लोब पर दायरों की शक्ल में थे कागज़ पर सीधे हतूत बन जाते हैं, और हतूते अर्स बल्द जो हम मरकज़ दायरों की शक्ल में नज़र आ रहे थे वो मखरूती प्रोजेक्शन में इस तरह से आपको जो है वो निस्फ दायरों की सूरत में जो है वो नज़र आते हैं। अब जो कोनिकल प्रोजेक्शन है उसकी आपकी बुक में चार जो है वो मज़ीद इकसाम दी हुई हैं। एक महसूस अर्ज पर वाली कोनी प्रोजेक्शन यानी कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, ये मैंने आपको अभी वजह बताई है कि जब कोन का अंदरूनी सिरा जो है वो एक अर्ज बल्द को छू रहा होगा तो हम उसको कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल या एक महसूस अर्ज बल्द वाली कोनी प्रोजेक्शन जो है वो कहेंगे। अगर जो है कोन का अंदरूनी हिस्सा दो अर्स बल्द को छू रहा होगा तो हम उसको दो महसूस अर्स बल्द वाली कोनी प्रोजेक्शन या कोनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो कहेंगे। इसी तरह से इसकी तीसरी जो किस्म है उसका नाम है बोन्स प्रोजेक्शन, और चौथी जो है वो है पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। अब इसकी कुछ खूबियाँ और खामियाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन एक में अर्स बल्द वाली है इसमें क्योंकि एक अर्स बल्द जो है वो छू रहा होता है कोन के अंदरूनी हिस्से को, तो इसलिए हम जो है इसको कोनिकल विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। ये प्रोजेक्शन जो है इसकी बनावट बड़ी आसान होती है। इस प्रोजेक्शन को मसावी रकबा और सही शक्ल कहा जाता है, यानी अगर हम किसी एरिया को इस प्रोजेक्शन के ऊपर शो करेंगे तो उसका रकबा और उसकी शक्ल ठीक ठीक वैसे ही होगी जैसी कि वो एक्चुअली ज़मीन के ऊपर मौजूद है। मंद का मोतीदला और कुतबैन के करीब नीम कुतबी इलाकों के नक्शे बनाने के लिए ये प्रोजेक्शन मुनासिब है। ऐसे ममालिक जो शरकन गर्बन ज़्यादा चुड़ाई लिए हों मसलन USA वगैरह, इनके नक्शे बनाने के लिए इसे मुनासिब ख्याल किया जाता है। छोटे ममालिक के मंतका मोतीदला में वाक़िया इलाकों के नक्शे बनाने के लिए भी ये प्रोजेक्शन बहुत मौजू है। अब हामियाँ इसमें यह हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा बनाने के लिए ये प्रोजेक्शन मौजू नहीं, क्योंकि जो इलाके ख़ते इस्तवा के करीब हैं उनका नक्शा इसके ऊपर ठीक ठीक नहीं बनेगा। सिर्फ मदका मोतीदला और कुतबी इलाकों के लिए ये बेहतरीन है। इस प्रोजेक्शन में पैमाना सिर्फ महसूस अर्स बल्द के साथ ठीक रहता है जबकि बाकी हतूते अर्स बल्द के साथ ये ठीक नहीं रहता। ये मुकम्मल तौर पर मसावी रकबा या मसावी शक्ल प्रोजेक्शन नहीं है,
क्योंकि महसूस अर्ज बल से फासला बढ़ने के साथ साथ रकबा और शक्ल जो है वो दुरुस्त नहीं रहते। अब ये जो महसूस अर्ज बल है इसके साथ तो क्योंकि ये एक्चुअली वो अर्ज बल है जो कि इसको इसके अंदरूनी हिस्से को टच कर रहा होता है, तो इसके करीब जितने भी ममालिक होंगे उसका नक्शा इसके ऊपर बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन जूँ जूँ इस महसूस अर्ज बल से फासला बढ़ता जाएगा तो शक्ल में और रकबे में जो मुस्लिम ममालिक का रकबा और शक्ल है उसमें यानी खराबी आना शुरू हो जाएगी, बगाड़ आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाती है कोनिकल प्रोजेक्शन दो महसूस अर्ज बल्ब वाली। तो इस अर्ज बल्ब इस प्रोजेक्शन में क्योंकि दो जो हैं अर्ज बल्ब जो हैं वो कोन के अंदरूनी हिस्से को छू रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको दो महसूस अर्ज बल्ब वाली मखरूती प्रोजेक्शन कहते हैं। इसकी जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये एक महसूस अर्ज बल्ब वाली कोनी प्रोजेक्शन की तब्दील शुदा किस्म है। दो महसूस अर्ज बल्ब की वजह से इसे मज़ीद मियारी तसव्वुर किया जाता है। खतूत अर्ज बल्ब हम मरकज़ कोसे हैं और हतूत तूल बल्द एक नुक्ते पर आकर मिलते हैं जैसा कि ग्लो पर होता है। हतूत तूल बल्द पैमाने के मुताबिक दुरुस्त रहते हैं। ये प्रोजेक्शन ऐसे इलाकों के लिए मौजू हैं जिनकी शर्कन गर्मन चुड़ाई ज़्यादा और शुमालन जनूब लंबाई कम है, मसलन डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड वगैरह। ठीक है, यानी इस प्रोजेक्शन को विद वन स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन से ज़्यादा मियारी तसव्वुर किया जाता है क्योंकि इसमें दो अर्ज बल्द जो ज़मीन पर एक्चुअली मौजूद हैं वो उनके पास के इलाकों के नक्शे बिल्कुल ठीक ठीक बनते हैं, जबकि वन स्टैंडर्ड पैरेलल में सिर्फ एक महसूस अर्ज बल्द के करीब के इलाकों का नक्शा ठीक इस पर बनता है। तो इस प्रोजेक्शन को वन स्टैंडर्ड पैरेलल वाली प्रोजेक्शन से ज़्यादा जो है वो स्टैंडर्ड या ज़्यादा मियारी जो है वो तसव्वुर किया जाता है। आज मैंने आपको इन्हीं दो प्रोजेक्शंस का जो है वो कॉन्सेप्ट और इसकी खूबियाँ और हामियाँ बतानी थी। कल इंशाल्लाह जो है वो बाकी की जो दो टाइप्स हैं बोन्स प्रोजेक्शंस और पॉलीकोनिक उनके बारे में जो है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आज वाले लेक्चर को ध्यान से सुने समझें, और ड्रॉ करने का प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि कल मैंने आपको जो है वो करवाया था सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और मैंने कहा था कि कल मैं ड्रॉ करवाऊंगी, तो फिर मैंने थोड़ा सा जो है वो चेंज किया है कि पहले तमाम प्रोजेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स और उनकी खूबी और हामियों का आपको पता चल जाए तो फिर मैं एक दफ़ा ही ड्रॉ करना जो है वो स्टार्ट करवाऊँगी। तो कल मैंने इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताया था, उसकी टाइप्स भी बताई थी, उसकी थोड़ी सी खूबियाँ और हामियाँ जो हैं वो रहती हैं वो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको किसी एक लेक्चर में कवर करवा दूँगी। पहले ये कोनिकल प्रोजेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट और इसकी तमाम टाइप्स की खूबियाँ और हामियाँ हो जाएँ तो फिर मैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की भी तमाम टाइप्स की खूबियाँ और हामियाँ जो हैं वो आपको समझा दूँगी और फिर उसके बाद हम ड्रॉ करने का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। तो इसको ध्यान से इस लेक्चर को सुने समझें, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स निकाल लें उसमें से देखें, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछा करें कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, फिर इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।